क्या रेपो रेट बढ़ गए हैं। आरबीआई ने रेपो रेट 35 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है, यानी कि अब 0.35% इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है, अब सारे ही बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे। चाहे आज आप एक होम लोन ले रहे हो, कार लोन ले रहे हो, पर्सनल लोन ले रहे हो, मॉर्गेज लोन ले रहे हो, या फिर कोई भी एजुकेशन लोन ही क्यों ना ले रहे हो, तो जब किसी भी बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, ये जाहिर सी बात है कि हमारा मंथली ईएमआई भी बढ़ जाता है। अब हमको अपने पॉकेट से कुछ एक्स्ट्रा पैसा इंटरेस्ट पे करना होगा। आखिर क्या होता है, ये कैसे बढ़ जाते हैं और कितना फर्क आपके इंटरेस्ट रेट पर पड़ सकता है, यानी कि कितना अब आपको ज्यादा पैसा अपने लोन पर पे करना पड़ सकता है। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा जब भी ये रेपो रेट ऊपर या नीचे जाते हैं, और ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, ताकि आपका जो मंथली ईएमआई है वो ज़्यादा या कम बिल्कुल भी ना हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से इस चैनल को फौरन सब्सक्राइब करें। सबसे पहले चलिए एक उदाहरण से समझते हैं कि ये रेपो रेट जो है, जो ये आरबीआई बार बार बढ़ा देता है, ये आखिर होता क्या है। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। तो मान लेते हैं कि आपने एक छोटा सा होम लोन लिया है, मान लेते हैं आपने बैंक एक्स से एक होम लोन लिया है जिसकी कीमत है 50 लाख रुपए की। अब ये भी मान लेते हैं कि आप ये होम लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं, पूरी तरह एलिजिबल है, क्योंकि आपका क्रेडिट जो हिस्ट्री है वो बहुत सही है, जो पास्ट लोन हिस्ट्री है आपका वो बहुत सही है, आपका इनकम बहुत सही है, एक्सेट्रा। तो हर चीज़ जो आपका है, जो बैंक मैनेजर देखता है लोन देने से पहले, वो सारी चीज़ आपकी बहुत ही क्लियर है, परफेक्ट है, और आप ये होम लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं पूरी तरह से। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, आप इस बैंक एक्स से तभी पैसा ले सकते हैं जब इस बैंक के पास पैसा होगा, तभी ना, अगर नहीं हुआ तो। अगर इस बैंक एक्स के पास पैसे हैं तब ये आपको होम लोन दे सकता है, पर यदि अगर इस बैंक के पास पैसे ना हो तब क्या होगा, तब ये बैंक कहाँ से पैसे लाता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो बैंक एक्स है, ये क्या करता है, ये जाता है सीधे आरबीआई के पास, ताकि आरबीआई से ये थोड़े पैसे उधार में ले ले और आपको ये होम लोन दे दे। तो जब भी एक बैंक आरबीआई के पास जाता है, तो क्या आरबीआई इस बैंक को जो पैसा लेंड करता है वो क्या फ्री में दे देता है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे हम बैंक के पास जाते हैं एक लोन लेने के लिए, और जैसे ही जिस तरह से एक बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता है, उसी प्रकार से जब भी आरबीआई किसी भी बैंक को अगर पैसे उधार में देता है, लेंड करता है, तो उन्हें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, जैसे कि हम करते हैं। तो सारे ही बैंक जो आरबीआई से पैसे उधार में लेते हैं, तो उसके बदले आरबीआई एक इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करता है, जिस इंटरेस्ट रेट को हम कहते हैं सिंपल भाषा में रेपो रेट। रेपो रेट को हम रिपर्चेजिंग एग्रीमेंट भी कहते हैं, जिसे ये बैंक वापस भी करते हैं। तो एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं ये जो बैंक एक्स है आपका, जहाँ पर आपने एक होम लोन अप्लाई किया है, इस बैंक के पास पैसे नहीं है, तो ये बैंक जाता है आरबीआई के पास और वहाँ से पैसे उधार में लेता है। तो आरबीआई इसे इंटरेस्ट रेट देता है, मान लेते हैं 6.25% का। तो अब ये बैंक क्या करेगा, ये बैंक आपको और भी इंटरेस्ट लगाकर आपका जो टोटल इंटरेस्ट है वो आ जाएगा, यानी कि मान लेते हैं आरबीआई ने दिया है 6.25% का इंटरेस्ट रेट, वो उसने लगाया है। इस बैंक ने क्या किया है, एक्स्ट्रा मार्जिन लगाया है, एक्स्ट्रा मार्जिन पकड़ लेते हैं 4% का है। तो अब आपको कुल मिला के जो होम लोन है उसका जो इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ेगा 10.25% का। तो ये टोटल होता है आप जो इंटरेस्ट रेट पे करते हैं बैंक को। तो बैंक 4% का अपना इंटरेस्ट रेट लगाता है और साथ ही 6.25% का जो आरबीआई का इंटरेस्ट रेट है वो भी हम पे ही आता है। तो ऐसे ही रेपो रेट काम करता है। तो जब भी आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है, हमारे मंथली ईएमआईज भी ऊपर हो जाते हैं, और जब भी रेपो रेट घट जाता है तब हमारा इंटरेस्ट रेट या तब हमारा मंथली ईएमआई वो कम हो जाता है। और यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ कि जब भी किसी भी देश का इकॉनमी अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तब उस कंट्री का जो फाइनेंशियल हेड है, जैसे कि हमारे कंट्री का आरबीआई है, वो पैसे बढ़ा देता है। जब अगर इकॉनमी अच्छा नहीं है तब वो बढ़ा देता है। अगर वो इकॉनमी, किसी भी देश की इकॉनमी अच्छी चल रही है, स्टेबल चल रही है, ऐसे केसेस में
आरबीआई जैसे इंस्टीट्यूट्स रेपो रेट्स को नहीं बढ़ाते और उल्टा वो घटा देते हैं। तो आज चाहे आप एक होम लोन ले रहे हैं, कार लोन ले रहे हैं, पर्सनल लोन ले रहे हैं, एडुकेशन लोन ले रहे हैं, मॉर्गेज लोन ले रहे हैं, किसी भी प्रकार का लोन आज अगर आप ले रहे हैं तो याद रहे आपको ये रेपो रेट जो अगर बढ़ता है तो उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा। तो इन शॉर्ट आपको बैंक का इंटरेस्ट रेट भरना है और साथ ही वो मार्जिन भी भरना है जो बैंक लगाते हैं। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप एक लोन लेते हैं इसका जो ईएमआई आप पे करते हैं इन फ्यूचर या आज प्रेजेंट में भी पे करते हैं तो ये फ्लक्चुएट होते रहेगा और ये डिपेंड करता है कि आरबीआई ने कितना रेपो रेट बढ़ाया है और साथ ही घटाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये समझा है कि रेपो रेट बढ़ने और घटने से कितना आपके ईएमआई पे हमारे ईएमआई पे फर्क पड़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अब ऐसा क्या करूं कि फ्यूचर में ताकि फ्यूचर में मेरा जो आज का ईएमआई है वो ना ही घटे और ना ही बढ़े, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए आप ये ज़रूर सोच रहे हो। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि जब भी आप लोन के लिए किसी भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका बैंक मैनेजर आपसे ये पूछेगा कि सर या मैडम आपको फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट चाहिए या फिर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ये दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का मतलब क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जब भी आप एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट को ऑप्ट करते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट के रेट के लिए अप्लाई करते हैं तब यहाँ पर मान लेते हैं अगर आप एक होम लोन भी लेते हैं और मान लेते हैं इस होम लोन का इंटरेस्ट रेट है से 9% का 9% का इसका इंटरेस्ट रेट है, तो ऐसे में अगर आप इन फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लेते हैं तो ये 9% जो है अगले 10 साल या 15 साल या 20 साल तक 9% का ही इंटरेस्ट रेट आप भरते रहेंगे। तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे कि कितना आप ईएमआई भर रहे हैं हर महीने। वहीं दूसरी ओर अगर हम फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता और घटता रहता है डिपेंडिंग ऑन कि आरबीआई ने कितना रेपो रेट बढ़ाया या फिर घटाया है, तो उस हिसाब से आपका जो मंथली ईएमआई है ज़्यादा होता है या फिर कम होता है। तो ऐसे सिचुएशन में अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मुझे फिक्स इंटरेस्ट रेट के लिए जाना चाहिए या फिर मुझे फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के लिए जाना चाहिए। वेल, मैं आपको बता दूं कि इन दोनों के बीच में चूज करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हम में से कोई भी फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आज आप सोच रहे होंगे कि शायद रेपो रेट बढ़ गया है तो इसीलिए हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, तो ऐसे में मैं फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ले लेता हूँ ताकि फ्यूचर में जब कभी भी ये रेपो रेट घटे और मेरा ईएमआई का पैसा घटे तब मेरा पैसा भी बच जाएगा, बहुत सारे मेरे पैसे बच जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की यही राय होती है कि आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के लिए तभी जाना चाहिए जब आप फ्यूचर प्रिडिक्ट ना कर सको और जब आप फ्यूचर में ये प्रिडिक्ट कर सको कि जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ेगा। वाइल ऑन द अदर हैंड आपको फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के लिए तभी जाना चाहिए जब आप ये प्रिडिक्ट कर सको कि फ्यूचर में ये जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होगा। बट जाहिर सी बात है हम में से कोई भी फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि जो पूरा इंटरेस्ट रेट का मामला है, रेपो रेट का मामला है, ये डिपेंड करता है कि हमारे देश की इकोनॉमी किस ओर जा रही है। तो अब एक उदाहरण से समझते हैं कि ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट कैसे काम करता है। मान लेते हैं आपने आज एक कोई भी लोन लिया है, मान लेते हैं होम लोन लिया है आपने, जहां पर आप इंटरेस्ट रेट आज भर रहे हैं 9% का या फिर 10% का, 10% का मान लेते हैं। तो अगर आप आज एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट ऑप्ट करते हैं तब नेक्स्ट 20 इयर्स 10 इयर्स या जितना भी आपका टेन्योर है, जितना भी आप टेन्योर चूज करते हैं, तो अगले उस टेन्योर तक, अगले 10 साल या 15 साल या 20 साल तक आप 10% का ही इंटरेस्ट रेट पे करते रहेंगे। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ऑप्ट करते हैं तब यहाँ पर मान लेते हैं कि आगे फ्यूचर में ये जो इंटरेस्ट रेट है 10% से घटकर 6% हो गया है। तब ऐसे केसेस में अगर आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ऑप्ट करते हैं तब आपको तब के समय में इन फ्यूचर 6% ही भरना पड़ेगा और अगर आप फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भर रहे हैं तो वो 10% का ही रहेगा। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में अगर वो घट जाता है इंटरेस्ट रेट तब आप जो घटा हुआ इंटरेस्ट रेट है प्रेजेंट का अगर 6% है तो आप 6% ही पे करेंगे आगे चलकर। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। अगर मान लेते हैं इन फ्यूचर ये अगर आपने आज फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ले लिया है और इन फ्यूचर भविष्य में ये जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है 10% से लेकर बढ़कर 15% हो गया तब ऐसे केस में आपको 15% ही भरना पड़ेगा, कोई चेंज नहीं हो सकता।
वहीं ऑन द अदर हैंड अगर आपने फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लिया है तो आप 10% ही भरेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़कर 15% भी हो गया है तब भी आप 10% भरेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है, यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज मैंने अगर होम लोन लिया है एक्स वाई जेड अमाउंट का तो ये जो रेपो रेट इंक्रीज हो गया है तो ऐसे में मुझे कितना ईएमआई भरना पड़ सकता है। तो चलिए अब प्रैक्टिकली मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि कितना आपको ईएमआई भरना होगा इस 35 बेसिस पॉइंट के इंक्रीज होने के बाद, यानी कि अब 0.35% रेपो रेट हाइक होने के बाद आज आपको कितना ईएमआई भरना पड़ सकता है। तो अब उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपने किसी प्रकार का होम लोन लिया है, तो आप सीधे चलते हैं गूगल पर और टाइप करते हैं होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं ये होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर है जो हम देख रहे हैं ग्रो ऐप पर। तो ये एक ऑथेंटिक ऐप है जिसको आप भी रेफर कर सकते हैं और यहाँ पर ऑलरेडी एक प्री सेट अमाउंट है, यानी कि यहाँ पे लोन अमाउंट ऑलरेडी दिया गया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया गया हुआ है पर एनम और लोन टेन्योर भी ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया हुआ है। तो आप इसे थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और देखते हैं कि आज अगर आप कोई होम लोन लेते हैं तो कितना आपको इंटरेस्ट रेट और साथ ही कितना आपको ईएमआई भरना पड़ सकता है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और चलिए मानते हैं आपने 30 लाख का लोन लिया है और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हम बदल देते हैं और बढ़ा कर देते हैं 9% का और टेन्योर रखते हैं चलिए मानते हैं 20 साल का। तो यहाँ पे थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हैं कि अगर आपने आज होम लोन लिया है जिसकी राशि है 30 लाख रुपए और आप इस पर इंटरेस्ट भर रहे हैं 9% जो सालाना इंटरेस्ट रेट है वो, और साथ ही जो लोन टेन्योर है आपने चूज किया है 20 साल के लिए, 20 साल तक आप ये लोन चुकता करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मंथली ईएमआई जो है वो है आपकी 26,992 रुपीज, वहीं टोटल इंटरेस्ट आपको भरना पड़ सकता है उस 30 लाख रुपए पर 34,78,027 रुपीज। अब मान लेते हैं कि जैसे कि हमने जाना इस वीडियो में कि रेपो रेट हाई हुआ है, यानी कि 0.35% इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, हर बैंक ने अलग अलग परसेंट का ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। तो यहाँ पर 9% जो आप देख सकते हैं अपने इंटरेस्ट पर, इसको मॉडिफाई करते हैं और यहाँ पर 0.35 और एक्स्ट्रा ऐड करते हैं क्योंकि अब रेपो रेट हाइक के बाद आपको भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि ईएमआई जो है आपका वो बढ़कर 27,671 रुपीस हो गया और टोटल इंटरेस्ट आपका बढ़कर 36,40,977 रुपीस का। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बदलाव आ जाता है अगर जब भी एक रेपो रेट हाइक होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब करीब 2 से 3 लाख तक का आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। तो इसी तरह आप भी ये कैलकुलेट कर देख सकते हैं कि आज अगर आप कोई भी लोन ले रहे हों फॉर दैट मैटर, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो, पर्सनल लोन हो या कोई भी लोन लेते हो, सबका एक कैलकुलेटर, ऑनलाइन कैलकुलेटर अवेलेबल है। तो उस पर्टिकुलर कैलकुलेटर पर जाकर आप अपने लोन अमाउंट को डाल सकते हैं, इंटरेस्ट रेट को डालकर देख सकते हैं कि कितना आपको ईएमआई, मंथली ईएमआई पे करना पड़ सकता है और टोटल इंटरेस्ट आपको, टोटल अमाउंट कितना वापस रीपे करना होगा। तो इस वीडियो से उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि ये रेपो रेट क्या होता है और कैसे ये आपके इंटरेस्ट रेट पर फर्क लाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये रेपो रेट हाइक होता गया और अगर मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ता ही गया तो ऐसे में बहुत टेंशन हो जाएगी क्योंकि आप अपने पॉकेट से पैसे भरते ही जाएंगे। पर इसका पॉजिटिव साइन भी है, इस रेपो रेट हाइक का पॉजिटिव साइन भी है और वो ये कि आज अगर आपने FD किया है, फिक्स्ड डिपॉजिट कराया है या फिर रेकरिंग डिपॉजिट कराया है, पॉजिटिव इफेक्ट ये है, पॉजिटिव साइड ये है कि जहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं इनके इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगे। यानी कि अगर आप अपने लोन पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर पे कर रहे हैं, मतलब बढ़ा हुआ पे कर रहे हैं, ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो आपको ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं FD या RD जैसे प्रोडक्ट्स हैं इस पर भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वापस मिल रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है ऑफ रेपो रेट हाइक। तो उम्मीद करती हूँ इस पूरे वीडियो से आपको समझ आ गया होगा रेपो रेट हाइक के बारे में। जल्द ही लौटूंगी एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर हमें ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी लोन के बारे में, पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, कार लोन हो, एजुकेशन लोन हो, किसी भी प्रकार के लोन के बारे में अगर आपको पूरी इन डिटेल नॉलेज चाहिए तो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। Thank you for watching Freedom. Get wise, break free.
हूँ।